नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आज एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी चीन में एक और वायरस की खोज हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर एक और बड़ा अब कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस है, उसने दस्तक दे दी है और चीन में इसके कारण एक मौत भी हो चुकी है। और साथ ही बता दें, चीन में एक और वायरस के कारण अटैक, तो क्या अटैक है, हंता वायरस, कौन सा वायरस है यह, हंता वायरस के कारण चीन में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और ये किस न्यूज में बताया गया है, चीन की एक न्यूज है वहाँ की ग्लोबल टाइम्स, उसमें यह कहा गया था। तो दोस्तों यह जानकारी है, उसके बाद चीन से युवान प्रांत में हंता वायरस का अटैक और पीड़ित बस से साडोक प्रांत जा रहा था, उसी समय उसकी मौत हो गई है। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है और दुखद घटना है। और कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है और इसके साथ ही एक वायरस की यहाँ पर घटना सामने आई है जिसमें 32 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं और साथ ही में एक की मृत्यु हो गई है। यह दोबारा से आपको लिए बहुत ही अभी मीडिया में इसकी न्यूज भी चर्चा हो रही है, सबसे ज़्यादा अब दस्तक देने वाली बन चुकी है। राजस्थान इंडिया में भी बहुत ही सब जगह लॉकडाउन कर दिया गया है कोरोना वायरस से। साथ ही में आपने ये बड़ी घटना देख ली है, हंता वायरस, तो हंता वायरस से चीन में एक और मौत हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि आगे ये कहां तक बढ़ता है वायरस, तो इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे जैसे हंता वायरस के बारे में और भी कोई जानकारी पता लगेगी। तो दोस्तों अब बचिए रहिएगा, घर पर रहिएगा, क्योंकि अब दो वायरस आ चुके हैं तो दो वायरस से अब और भी बहुत ही भयंकर कुछ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ, इसमें कोई और अपडेट आती है तो। जय हिंद दोस्तों, घर पर बैठे रहिएगा और आपको जब तक